हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। और आज हम बात करने वाले हैं गिनी पिग्स के एज के बारे में, क्योंकि देखिए कई बार लोग गिनी पिग खरीदने जाते हैं और वो खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन कंफ्यूज ही होते हैं कि उनका गिनी पिग है कितना बड़ा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रीडिंग पर्पज से लाते हैं और कई बार लोग खरीद के लाते हैं और उनको प्रॉब्लम हो जाती है। कि ये बच्चा है और इसकी क्या एज होगी, इसको क्या फीड कराएं, क्योंकि बच्चों को भी कई बार लोग ऐसी फीडिंग कराने लगते हैं जिससे कि उनका हाजमा ख़राब हो जाता है, उनका पेट खराब होने से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है गिनी पिग में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, न्यू बॉर्न बेबी और जो वन मंथ का कंप्लीटेड बेबी होता है और उसके अबव जितने भी गिनी पिग होते हैं उनमें क्या फ़ायदे हैं और कैसे पता लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए अगर आप गिनी पिग पालने वाले गिनी पिग लवर हैं, मतलब पसंद हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप गिनी पिग पहली बार खरीदने गए हैं, आपको गिनी पिग बहुत पसंद है, आप शौक में लेकर आते हैं, तो देखिए आप छोटा सा बच्चा लेने गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, जैसे कि यहाँ मेरे पास है। तो अगर आप ऐसे बच्चे लेने गए हैं और आपको शॉपकीपर ये बोलता है कि ये सेल्फ फीडेड हैं, पूरे वन मंथ कंप्लीट हैं और खुद खाएंगे खुद पिएंगे, तो देखिए उनकी बातों में मत आइए। पहले आप वीडियोस देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी देखिए, आप इन्फॉर्मेशन लीजिए जहाँ से आपको ठीक लगे, जहाँ से समझ में आए, इन्फॉर्मेशन लेके आप चीज़ों को समझिए। गिनी पिग के बच्चे जो होते हैं वो पैदा होते ही खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो वो जो भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा बहुत माँ के साथ खाने लगते हैं, तो खाते पीते वो सेल्फ फीडेड, यानी कि वो जन्मजात ही सेल्फ फीडेड होते हैं, बिल्कुल खाते पीते हैं हर कोई चीज़, क्योंकि वो चखते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जब भी हम छोटा बच्चा अगर खरीद के लाते हैं तो होता क्या है, देखिए गिनी पिग जब पैदा होता है तो पैदा होते ही आँख खुली होती है, बाल उसके पूरे होते हैं। अगर एक हफ्ता भी शॉपकीपर न्यू बॉर्न बेबी को अपने पास रखता है और उसके बाद सेलिंग करता है तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि इनमें से कौन सा कितने दिन का है, क्योंकि उन लोगों का साइज़ एक हफ्ते में काफ़ी अच्छा खासा बाल उनके खुल जाते हैं और साइज़ हो जाता है। तो देखिए, यहाँ जैसा कि मेरे पास ये वन मंथ कंप्लीटेड बच्चे हैं और ये इनसे बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेल फीमेल देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और मैं आपको न्यू बॉर्न का भी सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये न्यू बॉर्न गिनी पिग बेबी हैं। तो यहाँ जैसा कि आप न्यू बॉर्न बेबीज़ देख रहे हैं और इनका ये जो जेंडर देख रहे हैं, देखिए अगर मैं दोनों ही मेल फीमेल गिनी पिग्स को आपको दिखाऊँ यहाँ स्क्रीन पर, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि इनमें मेल कौन है और फीमेल कौन है। लेकिन यहाँ पे ये जो सिंबल, यानी कि जो लेटर्स बनते हैं वी और वाई या फिर यू कहें, तो ये हमें मेल और फीमेल का डिफरेंट बताते हैं। यहाँ ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मेल न्यू बॉर्न गिनी पिग बेबी में, और ये जो आप देख रहे हैं ये है फीमेल न्यू बॉर्न गिनी पिग बेबीज़ में। तो अभी मैंने आपको न्यू बॉर्न बेबीज़ का बताया था, अब मैं यहाँ पे उनका बताता हूँ जो बिल्कुल पालने के लिए रेडी हो चुके होते हैं और आप लोगों के घर में आकर आप लोगों के फ्रेंड बनने के लिए और आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी हम कह सकते हैं, लेकिन जानवर कभी भी घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखें। हम जो भी लाते हैं वो हमें अपने फ्रेंड की तरह रखना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं, ये वन मंथ कंप्लीटेड है तो इनको मैं पहले दिखाता हूँ। ये देखिए, एक मिनट रुकिए, एक हाथ में कैमरा है तो थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल है। ये देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जो है ये है फीमेल गिनी पिग, और ये फीमेल गिनी पिग का साइन आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ देखिए, ये वी शेप जो बन रहा है या वाई हम कहें, ये फीमेल गिनी पिग है और ये वन मंथ कंप्लीटेड है। और इसका कैसे पता करें कि ये वन मंथ कंप्लीटेड है, देखिए यहाँ पे हम इसका कान देख रहे हैं, ये हल्का सा डाउन होने लगा है, और अगर हम अपनी हथेली में, जैसे कि मेरी हाइट 5'11" है तो उसके हिसाब से मेरे हाथ का साइज़ आप लोग देख सकते हैं, तो अगर मैं इतने बड़े हाथ में इस बच्चे को लेता हूँ तो साइज़ देखिए, ये देखिए इसका साइज़, ये वन मंथ का बच्चा है पूरा कंप्लीटेड, और यहाँ आप लोग साइज़ देख सकते हैं, और बिल्कुल मेरे हाथ का आधा, यानी कि 3 से 4 इंच के होते हैं न्यू बॉर्न गिनी पिग बेबीज़। तो हम जब भी लें तो हम अगर साइज़ नाप के लेंगे तो भी काफ़ी कुछ हमें पता लग जाएगा। और अभी हम यहाँ पे वन मंथ कंप्लीटेड मेल को उठाते हैं, तो ये देखिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ये देखिए वन मंथ कंप्लीटेड मेल, अब इसका यहाँ पे जो भी इसका ऑर्गन है मेल वाला, ये पूरा उभरा हुआ नज़र आ रहा है। मैं लाइट चालू करता हूँ फ्लैश और फिर दिखाता हूँ और फोकस करके, तो ये देखिए लाइट चालू हो चुकी है,
मेरे हाथ पे रोशनी पड़ रही है। और अब मैं मेल को उठाता हूँ जो 1 मंथ का ही है, अभी जस्ट एकदम कंप्लीटेड है, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई ताकि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, एज का इशू ना हो। ये देखिए अब इसका यहाँ पे ये जो भी मेल ऑर्गन है यहाँ, जिसको हम पीनस कहते हैं, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए इसके टेस्टिकल्स दिख रहे हैं, ये न्यू बॉर्न बेबीज़ में नहीं होते हैं। ये जब भी आपकी गिनी पिग 1 मंथ कंप्लीट कर जाते हैं, उनके टेस्टिकल्स का उभार हल्का सा आ जाता है, जैसे कि हम पता लगा सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। अब हम उसका देखते हैं जो ऑन हीट और 2 महीने का कंप्लीटेड है, यानी कि हमारा एल्बिनो। एल्बिनो अब हीट पे आ गया है, लेकिन मैं इसकी ब्रीड सिर्फ एल्बिनो से ही करवाऊंगा, तब तक ये खाए पिए और हेल्दी रहे। देखिए आपस में थोड़ा सा ये लोग कभी कभी शरारत करने लगते हैं। ये देखिए अब ये है 2 महीने का कंप्लीटेड हीट वाला मेल, तो उसके टेस्टिकल्स अब हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसके प्रेस करूँ, जो कि इसके टेस्टिकल्स के ऊपर का पार्ट है, जो कि इसका पीनस है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीटेड मेल अब ये ब्रीडिंग के लिए तैयार है 2 महीने का। और इस वक्त क्योंकि पंखा बंद कर दिया है मैंने रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा एज कैसे देखते हैं। और अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ इससे थोड़ी सी बड़ी एज वाली फीमेल्स या फिर मेल्स की, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो मेरे गिनी पिग्स हैं, इसमें गॉगल इससे काफ़ी बड़ी है मेरे एल्बिनो गिनी पिग से। गॉगल लगभग 2.5-3 महीने की है, और ज़्यादा भी हो सकती है, 4 महीने भी हो सकती है। और यहाँ पे देखिए क्योंकि गॉगल की एज 4 महीने के लगभग में है, तो हम इनको एक टुकड़े टुकड़ों में बांट लेते हैं, यानी कि 3-3 महीने के गैप में। और अगर हम सबका डिफरेंस देखें तो देखिए अगर गॉगल को हम 4 ना मान के 3 माने, तो देखिए यहाँ हम साल के हिसाब से इनको 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। और फिर उसके बाद इनके कान देखते हैं, मतलब इनको 4 टुकड़ों में नहीं बांट देते हैं, हम इनकी एज को 4 टुकड़ों में बांट देते हैं और इनके कान को देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका कान, ये जो कि गॉगल का कान अगर हम देखें, तो देखिए हल्का सा बैंड है और ये नीचे की ओर झुका हुआ है। ये बताता है कि गॉगल की एज 4 महीने के लगभग है, यानी कि 3 से 4 महीना कंप्लीट है गॉगल को, और ब्रूनो को भी, क्योंकि ब्रूनो का भी देखिए कान लटका हुआ है। और अगर हम यहीं पे आ जाते हैं ब्राउनी के पास, तो देखिए ब्राउनी 1 ईयर कंप्लीटेड है, और प्लस ये मेरे ख्याल से अब 2nd ईयर में गई है, सेकेंड ईयर कॉलेज नहीं, ये 2nd ईयर इसका पूरा हो गया है, ये 2 साल की है। और इसका कान देखिए बिल्कुल नीचे की ओर डाउन है, और ये देखिए नीचे की ओर झुका हुआ है। तो जैसा कि हम YouTube पे या फिर Google पे या मूवीज़ में देखते हैं गिनी पिग्स जो कि डाउन ईयर वाले होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही बन चुकी है। तो ये 2 साल की है, ये लोग 4 महीने, और मेरा एल्बिनो वो 2 महीने का है, और वो बच्चे 1-1 महीने के थे। तो उम्मीद है अब आप लोग अपने गिनी पिग्स की एज पहचान सकते हैं। और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस फोटो थोड़ा सही से खींच के भेजें। और अभी फिलहाल चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।